बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी साइट्स या बहुत सी ऐसी ऐप्स आपको बताता हूं जिसमें आप बिटकॉइन, पेयर, परफेक्ट मनी, नेटनर और उसके अलावा एडवांस कैश या इस तरह की बहुत सी आप करेंसी अर्न करते हैं स्क्रिल वगैरह की। तो मसला उसमें ये होता है कि आप उन पैसों को अपने जायज़ कैश या इजी पैसा में नहीं ले सकते। या कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज करते हैं कि इश्तियाक भाई, हम अपने पेमेंट को हम अपने इजी पैसे या जायज़ कैश से अपने परफेक्ट मनी, पेयर, बिटकॉइन या किसी और वैलेट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जो बिल्कुल सस्ते रेट पर आपको बहुत ही कम टैक्स के साथ, ये एक्सचेंज वाली तो बहुत सी साइट्स आपने देखी होंगी, लेकिन कम टैक्स के साथ आज की इस वीडियो में एक साइट आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कम टैक्स में आपको आपकी जो पेमेंट है वो एक्सचेंज करके देती है। तो चलिए दोस्तों अल्लाह का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी वेबसाइट है जिसमें आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप इसमें किस किस चीज़ में एक्सचेंज कर सकते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट मनी, वेब मनी, पेयर, स्क्रिल, एडवांस कैश, उसके बाद पे ऑन ईयर, बिटकॉइन, जायज़ कैश, इजी पैसा, ये सारे के सारे इसमें मेथड्स अवेलेबल हैं। तो एक्सचेंज करने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक रजिस्टर का बटन, इस रजिस्टर बटन के ऊपर आपने क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर आप इस फॉर्म पर आ जाएंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना यूज़र नेम लिखते हैं, यानी अपने नाम को छोटी ABC में लिख दें। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर अपना लिख देता हूँ, तो जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी आप एक अपना पासवर्ड लिख लें जो कि आपको याद रहे, भूले ना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड रख लेता हूँ जो कि मुझे याद रहे। रीटाइप पासवर्ड में आपने दोबारा वही वाला पासवर्ड लिख कर रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई आपसे यहाँ पर ईमेल की वेरिफिकेशन वगैरह नहीं मांगी जाएगी, उसी वक्त आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो तो यही इसका मेन डैशबोर्ड है और यहाँ से सारे का सारा काम होता है। अगर आपको एक्सचेंजिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके इनके नुमाइंदे के साथ उर्दू में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है। यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर आप किस चीज़ से एक्सचेंज करना चाहते हैं वो आपने सेंड करनी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं जायज़ कैश से पेयोनियर में लेना चाहता हूँ या परफेक्ट मनी में इजी पैसा मिले, या जिस चीज़ से आपके पास जो चीज़ है जो आप इस वेबसाइट से एक्सचेंज करके, यानी अपने पास वाली चीज़ आप इनको सेल करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे पड़े हुए हैं इजी पैसा में या जायज़ कैश, या जिस चीज़ में आपके पास पैसे पड़े हैं जो आपने यहाँ से तब्दील करने, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कर देता हूँ जी जायज़ कैश PKR, ठीक है। मैं जायज़ कैश से इनको पैसे भेजूँगा और लेना किस चीज़ में चाहता हूँ यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं लेना चाहता हूँ जी अपने पैसे यहाँ पर पेयर में लगाने के लेना चाहता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि एक्सचेंज रेट 168 PKR, 168 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक डॉलर यहाँ से लेने के लिए, ठीक है। तो अब देखें, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं। सॉरी खांसी बहुत तेज लगी है, ठीक है। तो कम से कम आप 1000 रुपए यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। आप कम करके भी देख लीजिए अगर हो जाए तो, ठीक है। 1000 मैं मिसाल के लिए लिख देता हूँ और मुझे रिसीव कितने होंगे, 5.95 जो है ना USD मुझे रिसीव होंगे, तकरीबन $6 रिसीव होंगे। अब सिर्फ आपने इस एक्सचेंज बटन के ऊपर क्लिक कर देना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज इज 1500, यहाँ पर जो आप इससे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम से कम 1500 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1500 कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये 1500 हो गया। अब मैं एक्सचेंज बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना पेयर का नंबर लिख दें, ठीक है। पेयर का नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P10191871211, ठीक है। ये मेरा पेयर नंबर है जो मैंने लिख दिया है। अब आपने प्रोसेस एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद अब आपने आगे क्या करना है ये आप गौर से देख लें। एक्सचेंज आईडी, ये आपकी एक्सचेंज आईडी है। अमाउंट सेंड, यानी कि आप इनको 1500 रुपए भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट रिसीवर, आपको मिलेंगे 8.93 तकरीबन $9 आपको मिलेंगे। योर पेयर, आपने अपना पेयर नंबर देख लेना है कि यही मेरा पेयर नंबर, ठीक है। उसके बाद योर ईमेल एड्रेस, आपने अपना ईमेल एड्रेस देख लेना है कि क्या यही मेरा ईमेल एड्रेस है। जैज कैश की फीस कितनी लगेगी, 10% आपको टैक्स लगेगा, यानी फीस लगेगी, ठीक है। टोटल आपने इनको सेंड करने 1636 रुपए, ठीक है, 1636 रुपए आपने इनको सेंड करने, ठीक है। तो आपको मिलेगा जनाब $15 मिलेंगे 1600 के बदले में, ठीक है। अब आपने कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर, या आप किसी भी चीज़ में यार एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आप ये जायज़ कैसे पेयर ही कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब कह रहे हैं कि डाटा अबाउट ट्रांसफर, यहाँ से इनको कट कर लूँ मैं, ठीक है। तो द एक्सचेंज इज डन मैनुअली बाय एन ऑपरेटर, वर्क टाइम 9 to 10 GMT +7, ठीक है। इतने टाइम के अंदर अंदर आपको जो है एक्सचेंज आपकी हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आवर जैज कैश डिटेल, वो कह रहे हैं कि आपने जैज कैश में पैसे भेजने ना, तो ये इनका जैज कैश नंबर है, रिजवान अली के नाम इसका अकाउंट होल्डर नेम है। आपने इस नंबर पर 1636 रुपए ट्रांसफर मारने, ठीक है, इस नंबर पर, ठीक है। ये सारे पर आप नोट कर लें। अगर इजी पैसा किया हुआ तो आपको यहाँ पे इजी पैसा का नंबर दे देंगे, या जिसमें भी किया हो यहाँ पर आप उसी चीज़ का वो आपको नंबर देंगे जिसमें आप उनको सेंड करेंगे, ठीक है। और जिसमें आप लेंगे वो खुद ब खुद ही सेंड कर देंगे, आपने नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। इंटर पेमेंट, इतनी पेमेंट सेंड करनी 1636। एक्सचेंज रेट, ये इसका एक्सचेंज इतना जनाब या देख सकते हैं। उसके बाद जब आप इनको जैज़ कैश में पेमेंट सेंड करेंगे तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है जैज़ कैश की जानब से 8558 से। अगर आप इजी पैसा से करते हैं तो आपको 3737 से एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है, TRX आईडी उसे कहा जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी। वो आपने यहाँ पर पेस्ट करके कन्फर्म ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर, कई बार 10 मिनट में भी हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप ये अपनी मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और आप जितनी भी मनी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई होप आज की छोटी सी वीडियो मेरे भाइयों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं अपने दोस्तों से अगली वीडियो में। दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।